हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जिसका अभी एग्ज़ाम ग्रेड 4 एंड ग्रेड 3 का है, वो एनसीईआरटी बुक का ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी से 3-4 मार्क 5 मार्क आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस नहीं देखे हैं तो सिलेबस दिखा देना चाहता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं आज की सेशन को। सिलेबस की बात करूँ, ये ग्रेड 3 ग्रेड 4 का है। देखिए, 130 मार्क का टोटल एग्ज़ाम होगा, 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन भी रहेगा 135। ओके, मतलब एक क्वेश्चन पे एक मार्क, 120 मिनट मिलेगा आपको, 2 घंटे की समय रहेगा। 130 मार्क का क्वेश्चन आंसर करना है। ओएमआर सीट दिया जाएगा, कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम नहीं होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कट ऑफ थोड़ी हाई होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने से नंबर ज़्यादा लाना पड़ता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद प्रोसेस की बात करूँ तो देखिए, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू दिया गया है, तो इंटरव्यू के तौर पर कुछ इंटरव्यू लिया भी जाएगा। जो सिलेबस है वही मैं बोल रहा हूँ, 2 पार्ट में सिलेक्शन होगा आपका। प्रोसेस 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट के अंदर आपको रिटर्न एग्ज़ाम टेस्ट देना पड़ेगा, अगर वो पास करते हैं फिर इंटरव्यू होता है, फिर इसके बाद सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आएगा। सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस बहुत ही ईजी है, लेकिन देखने में ईजी है, सब समुंदर ही होता है। तो देखिए, जनरल मैथ्स के अंदर बात करूँ, क्लास 10 लेवल का मैथ्स रहेगा, नंबर सिस्टम रहेंगे, प्रोबेबिलिटी रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री की मैथ्स रहेगी, सिंप्लीफिकेशन भर के दे देता है एग्जामिनर, तो इस टाइप के मैथ्स आपको मिलेंगे। सोशल साइंस और साइंस और जनरल नॉलेज, ये सब एनसीईआरटी बेस, क्लास 8 से लेकर 10 तक अगर कोई कर लेता है, 8 से 10 तक, तो इनफ रहेगा, आप वहीं से लीड कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करूँ, बहुत ही जनरल, क्लास 8 से 10 तक जो भी टेंस होता है, प्रीपोजिशन होता है, ज़्यादातर प्रीपोजिशन एडवर्ब, ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच से जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है। आप लोग टेट का एग्ज़ाम का पेपर भी उठा के देख सकते हैं, तो असम किस तरह के पेपर में किस तरह टाइप के क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे ग्रेड 4 की बात करूँ तो ग्रेड 4 में भी वही देखने को मिलेगा, 8 लेवल तक आपका मैथ्स रहेगा, जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज, मेंटेलिटी एबिलिटी रीजनिंग रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, ये सब जो रहेगा ये सब एनसीईआरटी बेस रहेगा, जो भी जीके एनसीईआरटी बेस दिया जाएगा। थोड़ी बहुत डायनेमिक क्वेश्चन रहती है, तो एग्जामिनर वो आपकी माइंडसेट को चेक करना चाहता है, आप कितने दूर तक सोचते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं बस। लेकिन रिलेशन अगर देखिएगा एनसीईआरटी से ही रहता है। तो हम आज ज्योग्राफी की क्लास 9 की बुक को लिए हैं, क्लास 9 से जो भी क्वेश्चन बना है ज्योग्राफी के अंदर वो सब मैं कवर करूँगा। शायद हो सकता है पार्ट 1 में कवर ना हो, 2 पार्ट में मुझे कवर करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन दिया है ज्योग्राफी का, क्लास 9 का चैप्टर 1, द फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 से, क्लास 9 की एनसीईआरटी की जो बुक है वहाँ से ही क्वेश्चन उठाया गया है। द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रो, यहाँ से कौन ऐसी राज्य है जहाँ से ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, मतलब ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, वहाँ से नहीं गुजरता है, मतलब पास नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अब देखिए, सिर्फ एक क्वेश्चन करने से नहीं होता है, आपको जानना पड़ेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से गुजरता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या। तो मैं थोड़ी सी देखिए डायनेमिक तो सोचना पड़ता है, थोड़ी दूर की सोच, एक क्वेश्चन से कई आंसर निकालने की कोशिश करना ही सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ाई का। तो दिखाना चाहता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे किससे पास होता है, और देखिए यहाँ पे राजस्थान से पास होगा, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से, उड़ीसा से, तो हम देखेंगे, सॉरी उड़ीसा से नहीं होगा, तो उड़ीसा आपका नहीं होगा, यहाँ से पास नहीं होता है। तो मैं दिखा रहा हूँ किससे किससे पास होता है। देखिए, मैं ये इंडिया का मैप लिया हूँ, ये देखिए, ये जो लाइन है इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से होकर पास होता है उसको जानना ज़रूरी है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, आपको नागालैंड, सॉरी नागालैंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब दिखाया गया है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, आठ स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। यह आप नोट करके रख सकते हैं अपने कॉपी के अंदर, जे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो अब यहाँ से एग्जामिनर ही क्वेश्चन बनाया है कि किससे पास नहीं होता है, उसने उड़ीसा एक ऑप्शन दे दिया था। ठीक है, तो उड़ीसा नहीं होगा, तो ये इसी टाइप से आपको कवर करना है एग्ज़ाम के क्वेश्चन को, और पढ़ाई को किस तरह कवर करना है मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जाना पड़ेगा। और बात है कि यहाँ से और अगर बात करूँ तो यहाँ से और क्वेश्चन निकलेंगे कि ये समुद्र है, समुद्र के किनारे सी जो है ना, सी लेवल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कवर करने वाला स्टेट कौन सा है, तो आप देखेंगे गुजरात है, सबसे ज़्यादा कवर करता है।
इसके बाद कौन कौन सा स्टेट है कि यहाँ से समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो समुद्र के किनारे रहने वाले शहर का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, गोवा हो गया, यहाँ पे देखिएगा तो गुजरात हो गया, यहाँ पे देखिएगा महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे देखिएगा उड़ीसा हो गया, यहाँ पे देखिएगा तो इतना विजिबल नहीं है लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल, यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी समुद्र के किनारे से लगा हुआ है, तो ये सब भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप जिस स्टेट में रहते हैं इसके पड़ोसी राज्य को जानना ज़रूरी है। पड़ोसी हो जाता है, देखिए यहाँ पे असम के, असम किन किन राज्यों मतलब पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं उसको जानना ज़रूरी है। असम के, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और विदेशी राज्य की बात करूँ जो बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। म्यांमार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, ईस्टर्न का सबसे मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा होगा। तो ये सब मैप से क्वेश्चन है, आप क्लास 9 की ज्योग्राफी उठाइएगा तो मैप है उसमें। आंसर इसका 1 होगा 97.25 ईस्ट। ठीक है, ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट है, वेस्ट जानना ज़रूरी है। तीन नंबर क्वेश्चन पूछा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ किसका होगा। देखिए ये सब का, ये जो है ये सब राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये सब किन राज्यों से सटा हुआ है, किसके पड़ोसी है, तो ये नेपाल का है, तो ये नेपाल ऑप्शन होगा आपका। देखिए क्वेश्चन को थोड़ी सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चार नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, जो इंपॉर्टेंट रहता है वो दूंगा। माई फ्रेंड्स हील्स फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, वो बोलेगा कौन सा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, कौन सा ऐसा मतलब देश है जो इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि भूटान हमारे देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बांग्लादेश भी भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल भी भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ताजिकिस्तान नहीं करता है। यहाँ पे वही पूछा है कौन सा जो देश है इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता है, तो ताजिकिस्तान ऑप्शन हो जाएगा। और बात है कि हम बात करूँ कि कौन सा इन तीनों के अंदर, तीनों का ही बात नहीं बोलता हूँ, कौन सा विदेशी जो देश है, कंट्री है, सबसे लॉन्ग बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, वह है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आया हुआ था असम की कई एग्जाम में देखने को मिला था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है डिवाइड करती है, उस रेखा, उस लाइन का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ, याद रखिएगा रेड क्लिफ नाम है उसका, जो डिवाइड किया है, पार्टीशन किया गया है उस लाइन, उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, वो भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, तो इसको मैं क्या बोलूँ कि इसको हमको थोड़ा सा करंट में देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे जो यूनियन टेरिटोरियल स्टेट हो गया है उसकी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, तो हम देखेंगे और टोटल स्टेट कितना है इंडिया में ये भी देखेंगे, और टोटल यूनियन टेरिटोरियल कितना है वो भी देखेंगे, और नया जो बनाया गया जिससे लद्दाख और उसके बाद जम्मू कश्मीर को पार्टीशन किया गया 370 आर्टिकल जो पास करके, जम्मू कश्मीर जो पहले अलग ही मतलब अलग ही राज्य का दर्जा था, उसके अंदर अलग ही संविधान, वो लोग ऐसा लगता था कि अलग संविधान पालन कर रहे हैं, लास्ट में हमारे देशों के साथ जो उसको मिला लिया गया, एक ही आईन, एक ही कानून हर जगह जो लागू की गई 370 आर्टिकल को हटा के, तो आप देखेंगे 370 आर्टिकल के ऊपर भी थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा तो ज़रूरी है। अभी स्टेट और यूनियन टेरिटोरियल जो भी स्टेट है उसकी संख्या अलग अलग हो गई है, ये एनसीईआरटी बेस पे दिया गया था, पहले का डाटा है तो रिसेंटली डाटा को देखेंगे। देखिए मैं ये तो उस समय मुंह से भी कह देता तो हो जाता, लेकिन आपको प्रूफ के तौर पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है हाँ स्टेट का, तो वो दिखा देना चाहता हूँ। वहाँ पे दिखाया गया है टोटल स्टेट 28 हो चुका है और 8 यूनियन टेरिटोरियल स्टेट हो चुका है, तो याद रखिएगा टोटल 28 है स्टेट। हाँ, भारत के कुल कितने राज्य है, भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, हिंदी में बोला मैंने, इंग्लिश में होगा 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटोरियल स्टेट इंडिया के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा,
इसी के साथ एक बातें और याद आ गई तो मैं कहना चाहता हूँ कि रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ भी पूछा गया था असम की कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है, असम में कितने डिस्ट्रिक्ट है, कई जगह कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक्चुअल जो आंसर होगा 35 होगा, असम में कुल 35 डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा 35 डिस्ट्रिक्ट है। रिसेंटली हमने जो थोड़ा ऊपर डिस्कस किया वही क्वेश्चन को थोड़ी सी घुमा के फिर से पूछा एग्जामिनर, आपका माइंड टेस्ट किया है, विच लाइन डिवाइडेड इंडिया इनटू अप्रोक्सीमेटली द टू इक्वल पार्ट, मतलब लगभग माना जाता है कि जो भारत की मैप है आप देखेंगे भारत की मैप, मैं तो आर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, तो जो भी इंडिया का मैप है उसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है, दो भागों में आप देखेंगे इस तरह इंडिया है, यहाँ पे जो लाइन गया है मैंने थोड़ा पहले बताया कि ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर जो है, ऐसा लगता है कि इंडिया को अप्रोक्सीमेटली दो डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ की तरफ, नॉर्थ में आधा और साउथ की तरफ आधा, और नॉर्थ ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आपको क्या बोलूँ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट असम के एग्जाम में देखने को मिला था, अगर पेपर उठाइएगा तो मिलेगा आपको, अगर पुराने पेपर कोई भी डिस्कस कीजिएगा क्वेश्चन मिला था, मुझे मिला था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे बोला है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एरिया, मतलब एरिया के अनुसार भारत का पोजीशन क्या है, भारत क्षेत्रफल के अनुसार भारत कितने नंबर पर आता है। तो एरिया के अंदर अगर बात करूँ तो भारत जो है हमारी प्यारा भारत वो 7th नंबर पोजीशन के अंतर्गत आता है, तो 7th पोजीशन पे भारत है एरिया की दृष्टि से देखा जाए। ये भी क्वेश्चन अच्छा लगा क्वेश्चन मुझे इसलिए मैं दे रहा हूँ, विच मेरिडियन इज फिक्स्ड अस ए स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, तो इसका जो डिग्री बनता है वो 82.5, मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट बनता है मेरिडियन जो है। लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड के ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसलिए हमने लॉन्गिट्यूड ऊपर डिस्कस किया था तो यहाँ पे लेटिट्यूड को भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लेटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ द इंडिया लाइन, लेटिट्यूड कितना से कितना है, 8 degree 4 inch नॉर्थ से लेकर 37 degree 6 inch नॉर्थ तक फैला हुआ है। लेटिट्यूड कितना है, 8 degree 4 inch नॉर्थ टू 37 degree 6 inch नॉर्थ, ये इंच मिनट, अभी आपका माइंड टेस्ट हो जाएगा। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेज से पास होता है, राइट, किस किस स्टेज से पास होता है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया कि हमने सभी स्टेट का नाम बोला था, वो मैप आया था, मैप के अंदर मैंने बताया था, उसी समय आपने जो देखे होंगे तो अब याद कीजिए कि किस, यहाँ पे बोला है किससे पास होता है, क्या उड़ीसा से पास होता है, नहीं उड़ीसा से पास नहीं होता है, आप उसको उठा के जरूर देखिए, थोड़ा पहले वीडियो को ले जा के देखिए, पहला वीडियो में ही समझाया गया था उड़ीसा से पास नहीं होता है, बिहार ऑप्शन में वहाँ पे था ही नहीं, बिहार से पास होता ही नहीं, पंजाब तो अलग ही चला गया वहाँ से भी पास नहीं होता है, तो हम त्रिपुरा ऑप्शन में दे सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में बैठिएगा आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर बांचना आना चाहिए कि ये तो हो नहीं सकता, ये तभी आप वहाँ से सिलेक्ट करके निकाल पाइएगा जब तक आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगा। तो देखिए हमने बेसिक नॉलेज वहाँ पे गेन किया था किस किस स्टेट से पास होता है, मैंने दिखाया था 8 स्टेट है कि नहीं, तो वहाँ से पास होता है, वहाँ पे मैंने देखा था कि त्रिपुरा था, है कि नहीं। क्वेश्चन बनाया है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाया है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट रूट ऑफ कनेक्टेड बिटवीन द इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे कौन सा रूट का इस्तेमाल करके हम भारत और दूसरे देशों के साथ कनेक्ट किए थे, वो भी ओल्डेस्ट होना चाहिए, कनेक्ट तो सभी है, हम एयर रूट से भी जा सकते हैं, ओशियन रूट से भी जा सकते हैं, मतलब कौन सा रास्ता सबसे पहले अपनाया गया था दोनों देशों के साथ जोड़ने के लिए, तो वो लैंड रूट से ही था, मतलब सड़क मार्ग से ही हम एक देश से दूसरे देश के साथ वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किए थे, ये ओल्डेस्ट था। अभी हम करंट की बात करूँ तो हम सभी यूज़ करते हैं, हम सब यूज़ करते हैं, ओशियन रूट्स भी यूज़ करते हैं, एयर रूट्स भी यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे ओल्डेस्ट पूछा है तो ओल्डेस्ट की बात करूँ तो लैंड रूट्स आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, ये क्या होना चाहिए, इसका
मुझे लग रहा है कि मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसका आंसर था 97.25 ईस्ट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा इसलिए इसको डिस्कस करना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स बिलोंगिंग टू द इंडियन टेरिटोरियल लाइंस इन द अरेबियन सी। यहाँ पे बोला जाए, जो क्वेश्चन में चार ऑप्शन है, यहाँ पे बोला विच ऑफ द फ्लोइंग, कौन सा नीचे का फॉलो कर रहा है जो आइलैंड है वो बिलोंग करता है इंडियन टेरिटोरियल लाइन के साथ, और वो भी अरेबियन सी के साथ, इंडियन टेरिटोरियल लाइन एंड अरेबियन सी। तो यहाँ पे देखिए, अंडमान निकोबार तो नहीं करता है, ये तो डायरेक्ट है, श्रीलंका भी नहीं करता है। उसके बाद मालदीव, ऑप्शन नंबर सी होगा, लक्षद्वीप यहाँ पे बिलोंगिंग करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया, थोड़ी सी घुमा दिया गया क्वेश्चन को। बताइए अब आप खुद आंसर बताइए, व्हाट इज़ द इंडिया साइज विद द रिस्पेक्टेड टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जस्ट मैंने डिस्कस किया, थोड़ी सी घुमाया क्वेश्चन। अब सोचिए कि भारत साइज के अनुसार, भारत का अगर बात करता हूँ तो कितने नंबर पे आएगा। साइज के अनुसार बात तो हुई, हो गया, एरिया के अनुसार आप पकड़िए और साइज के अनुसार पकड़िए, साइज ही तो एरिया हो जाएगा ना। तो सेवन पोजीशन, थोड़ी पहले मैंने समझाया आपको, सेवन पोजीशन पे आता है हमारे प्यारे भारत, तो वो सेवन पोजीशन ही आंसर होगा। यहाँ पे लास्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, ये चैप्टर वन के अंदर, चैप्टर टू चैप्टर थ्री बहुत सारा है, मैं दे दूँगा आपको अगर चाहिए। और थोड़ी सी मैं पढ़ाते समय थोड़ी अलग अलग भी डिस्कस करता हूँ, इसीलिए तो आपको वीडियो देखना ज़रूरी है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया 82° 30' ईस्ट पासेस थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस। यहाँ पे कौन सा प्लेस है जहाँ से 82° 30' मेरिडियन ऑफ इंडिया, अच्छा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ये पास होता है। देखिए ये मुझे बहुत पहले, मैं बस जस्ट पढ़ा था एनसीईआरटी जब बुक पढ़ा था तो मुझे वहाँ पे मिला था। देखिए वहाँ पे मिजोरम और उत्तर प्रदेश होगा आंसर इसका, मिजोरम एंड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से पास होता है 82° 30' की बात करूँ तो। यहाँ तक था 24 में क्वेश्चन के अंदर जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने डिस्कस किया, चैप्टर वन था, चैप्टर टू भी ले लूँगा, और है चैप्टर वन के अंदर और है, आपको और पार्ट मिलेगा, लेकिन अब लगता नहीं है मुझे इम्पोर्टेंट है तो चैप्टर टू डिस्कस कर लेना चाहिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस पे ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, वो बोल दिया है अपने सिलेबस को फोकस करेगा, बार बार कहता हूँ मैं, सिलेबस के अनुसार ही जाइए आप, सिलेबस को देखिए। सिलेबस अगर आपको मैथ्स ही सीखना है, आप आराम से कोई 8 का मैथ्स उठाइए, आराम से बनाइए, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम वगैरह वगैरह, प्रोबेबिलिटी दुनिया का भरा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारा वेराइटीज मैथ्स टाइप मिलेगा, माइनस डिवाइड इनटू डेसिमल का फ्रैक्शन का नंबर सिस्टम ही आपको पढ़ने में लगभग 2-3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत प्राइम नंबर है, उसके बाद रेशनल नंबर है, इवन नंबर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, अपने दोस्तों को फटाक से जल्दी से शेयर कर दीजिए। सो बाय, टेक केयर।